हाय एवरीवन, वेलकम टू जी केमिस्ट्री। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ होली। देखो, होली का फेस्टिवल है, अच्छी बात है, फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए, बट फेस्टिवल के चक्कर में हमारी प्रिपरेशन कभी भी सफर नहीं करनी चाहिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, गिलमन्स रिएजेंट। अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है मेटासीपीबीए, उसके बाद शार्प प्लस एसिमेट्रिक इपॉक्सिडेशन, उसके बाद हमने किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और अभी फोर्थ वाला रिएजेंट है गिलमन्स रिएजेंट। तो मैं बोलूंगा कि आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले वीडियो पर नहीं देखे तो प्लीज आप उसको देख लो एक बार। रीजन ये है कि उसमें मैंने आपको हार्ड और सॉफ्ट का कंसेप्ट बताया था, वही यहाँ पर भी लगने वाला है। जैसे हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किया था कि जैसे जो मैग्नीशियम वहां पर हम लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, तो वो क्या होता है, हार्ड होता है कंपैरेटिवली, है ना। तो अगर हार्ड है तो वो कैसे करता है, वन टू एडिशन करता है, वन टू एडिशन या फिर हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एडिशन। लेकिन जो कॉपर होता है गिलमन्स रिएजेंट में, गिलमन्स रिएजेंट इज बेसिकली Ar2CuNi, ये है हमारे पास गिलमन्स रिएजेंट। तो यहाँ पे जो मेटल है वो क्या है, कॉपर, और कॉपर जो होता है वो क्या है, सॉफ्ट। अब सॉफ्ट होने की वजह से ये क्या करता है, यहाँ पर क्या होगी, 1,4 एडिशन। और 1,4 एडिशन मैंने आपको पहले भी बताया है क्या बोलते हैं, या तो कॉन्जुगेट एडिशन बोलते हैं या फिर इसको माइकल एडिशन भी बोलते हैं, है ना। तो हम इसको भी 1,4 एडिशन करते हैं, बाकी देखते हैं रिएक्शन होती किस तरह से है। तो जैसे मैं आपको हर वीडियो में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट बताती हूँ उसका, तो यहाँ पर भी यही है कि जो गिलमन्स रिएजेंट होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास ये है, मतलब उसका जो Ar2CuNi, और यहाँ पे कॉपर जो है वो सॉफ्ट है, और हमारी एडिशन कैसी होती है, 1,4। बस इसके थ्योरी पार्ट के लिए इतना ही बहुत है, सफिशिएंट आपको क्वेश्चंस करने के लिए। अगर आप कोई बुक उठाते हो तो हो सकता है उसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी हो, बट हमारा मेन मोटिव क्या होता है कि आप थ्योरी चाहे जितनी मर्जी पढ़े, चाहे एक पेज पढ़े चाहे 10 पेज पढ़े, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट हमारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। जैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो वाले क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाने चाहिए, चाहे एक पेज पढ़े या दो पेज। तो अभी के लिए आपसे इतना ध्यान रखूं, मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ और आपको कई और भी क्वेश्चन देखे, आप ट्राई करना, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बोला है 1,4 एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, मैंने आपको सिखाया था इसको, हम यहाँ पे 1 नंबर ही देते हैं, 2, 3, 4। अब कॉपर क्योंकि सॉफ्ट है और कार्बन और ऑक्सीजन में कार्बन ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो ये सॉफ्ट पे अटैक करेगा मतलब रिएजेंट। तो यहाँ पे ऐसे ब्रेक करा नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, और जो ये पॉजिटिव वाला है फोर्थ वाली कार्बन, इस पे अटैक होगा आर का, आर यहाँ पे क्या होगा, आर माइनस, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पे अटैक करेगा तो हमारा किस तरह से बनेगा, यहाँ पे ओ माइनस, और ये और इधर लग जाएगा हमारा आर टू, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या है, 1,4 एडिशन यहाँ पर अटैक होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बेसिकली आपके किस तरह से है। तो यहाँ पर देखो, आपके पास एक डबल बॉन्ड है, अब क्या करोगे आप, जैसे मैंने ऑक्सीजन को 1 नंबर जो दी थी वो 1 दी थी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोरीन को 1 देंगे, मतलब जो भी लिविंग ग्रुप है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ऑक्सीजन के ज्यादा हेटेरो एटम, तो वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। या फिर अगर आपको कंफ्यूजन है 1 कहाँ से करना है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, हमें पता है डबल बॉन्ड में तो 4 ही आना है, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब क्या करना है, 1,4 एडिशन। जैसे यहाँ पे है मिथाइल Me2CuLi, तो यह है गिलमन्स रिएजेंट, यहाँ से क्या आएगा, Me- आएगा, अटैक करना है उसमें, और अटैक कहाँ पे करेगा, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो क्या करेंगे हम, Cl- एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से Cl- निकलेगा, इधर आएगा पॉजिटिव, जैसे Cl- गया यहाँ पर आया पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर आ गया है पॉजिटिव, अब इस पॉजिटिव पे ही Me- अटैक करेगा। तो हमारे पास किस तरह का बनेगा प्रोडक्ट, देखो Cl- निकला, इधर आया पॉजिटिव, 2 और 3 के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, फोर्थ पे हमारे पास ऑलरेडी एक मिथाइल यहाँ पर लगा हुआ है, और एक हमारा ये आ गया Me। तो बस यही है आपका आंसर, इस वाले का आंसर यही है, इतना सा। अब सपोज करो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसमें क्या दिया हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है स्टीरियोकेमिस्ट्री का। यहाँ पर क्या है, 1, 2, 3, 4, हमें पता है गिलमन्स रिएजेंट है, सॉफ्ट है, कहां पर अटैक करेगा, कार्बन पे। तो कैसे होगा, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये तो इतना बहुत ईजी है, यहाँ पर हमारा आ गया ओ माइनस, 2, 3 के बीच में बॉन्ड आ गया है, और 4 पे आ जाएगा मिथाइल, और उसके बाद ये आएगा यहाँ पर। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में अगर ये वाला आपसे पूछा गया, यहाँ पे लेट्स से सेकंड एग्जांपल ये है, फर्स्ट और सेकंड स्टेप में डाला हुआ है, यहाँ पे वर्कअप के लिए H3O+, ठीक है, हम इतना मान लेते हैं। बट यहाँ पे जो मेन है वो क्या है कि यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे होगी। पेपर में आपको हो सकता है एक ऑप्शन ऐसा हो जिसमें ये अबव द प्लेन हो, और नेक्स्ट वाले ऑप्शन में सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या क्या हुआ, यहाँ पे डैश पे लगाया हुआ है, और यहाँ पे ये, अब आप कहाँ फंस जाओगे, आपने प्रोडक्ट तो बना लिया बट डिफरेंस कहाँ पर आ जाएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में, ये सब कुछ सेम रहेगा ऊपर। बस यहाँ पे क्या है, हम देखेंगे कि ये होगा किस तरह से सोल्व, तो हम क्या करेंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखने के लिए, आप यहाँ पर फोकस करो वापस से, ये बेसिकली किस तरह का है। देखो
ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन, ये भी sp2 sp2 sp2, तो ओवरऑल क्या है sp2 हाइब्रिडाइज है, मतलब सिस्टम काफी सारा देखो जैसे 1 2 3 4 ये तो कह सारे sp2 हाइब्रिडाइज की वजह से क्या है ये प्लेनर हो गया है। sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर होती है ज्योमेट्री, तो प्लेनर है। अब सपोज करो ये प्लेन है आपके पास, ठीक है, इस तरह का प्लेन है आपके पास, इस प्लेन में ऊपर कुछ ऐसा लगा हुआ है और नीचे से मतलब नीचे के एंड पर हम लिख दिए डैश पे क्या है एच, यही हुआ इस कार्बन पे, तो ये सारा क्या है प्लेनर है और ये बल्कि ग्रुप जो है वो ऊपर की साइड लगा हुआ है, तो अब जो भी इनकमिंग ग्रुप आएगा यहाँ पर उसके पास दोनों ऑप्शन है क्योंकि प्लेन है ये, वो ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, मतलब जो एम ई माइनस है वो अबव द प्लेन में अटैक कर सकता है और बिलो द प्लेन भी, बट कैसे करेगा जब भी मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए बता रही सारी ऑर्गेनिक में, अगर प्लेनर सिस्टम दिया हुआ है जिसमें हमारे पास एक प्लेनर सिस्टम में डबल बॉन्ड आ गया है उसके बाद कोई बल्की ग्रुप लगाया हुआ है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम केसेस में क्या होगा इसके ऑपोजिट साइड से अटैक होगा, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा जिसमें मिठाई यहां से दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं, अगर प्लेनर सिस्टम है बल्की ग्रुप ऊपर की साइड से है, हमारे पास प्लेन है और ऊपर की साइड थोड़ा ऑक्यूपाई है तो ऊपर से नहीं आएगा ग्रुप, नीचे से आएगा, अगर ये अबव द प्लेन है तो ये बिलो द प्लेन से अटैक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर फिर से नंबरिंग करते हैं 4 3 2 1। अब ये है इपोक्साइड रिंग है, ओपन हो सकते हैं इजिली, तो क्या होगा इधर गया नेगेटिव, इधर गया नेगेटिव, यहाँ पर आया पॉजिटिव और फिर से ब्रेक गया बॉन्ड इस तरह से। अब क्या होगा यहाँ पे 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव में मिथाइल लग जाएगा और ये बन गया ओ माइनस, तो इसको मैं किस तरह से लिखूं ऐसे, यहाँ पे ये फोर्थ वाली कार्बन है और इधर 2 और 3 में बॉन्ड आ गया, इस वाले कार्बन के बाद ये है और उसके बाद में ओ माइनस और यहाँ पर हमारा लग गया मिथाइल, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है हाइड्रोलिसिस, इस नेगेटिव चार्ज को हटा के, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर इस वाले क्वेश्चन का, सिंपल है, स्टीरियो पे भी बात नहीं है, सिंपल से टाइम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टाइम में क्या लगा है गिल्मन स्टीरजेंट, तो क्या होगा फिर से वही काम 4 3 2 1, 1 4 एडिशन होनी है, ऐसे ब्रेक करेंगे, इधर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पे क्या होगा अटैक होगा एम ई माइनस का। अब क्या करना है हमें, यहां पर आया है ओ माइनस, 2 और 3 में आ गया है बॉन्ड, 4 पे अटैक होना है मिथाइल का और नेक्स्ट पे हमारे साथ ये लगा हुआ है ग्रुप इस तरह से है ये, और यहां पर है मिथाइल, यही है हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इतना सिंपल सीएसआईआर नेट में क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको डायरेक्ट ये पूछने हैं, स्टीरियो पूछेंगे ही पूछेंगे हमेशा, तो स्टीरियो के लिए हम क्या करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि ऑप्शन में कैसे दिया हुआ है। सपोज करो ऑप्शन जो है उन्हें कुछ इस तरह से है कि जो मिठाई लेना उसको अबव द प्लेन शो किया हुआ है और इसको शो किया हुआ है बिलो द प्लेन, सपोज इस तरह से किया हुआ है, ठीक है, तो हम भी इसी तरह से लेके चलते हैं इसको कि मिठाई ऊपर की साइड है और ये हो सकता है पेपर में ऐसे किया हो मिठाई को डैश पे रखा हो ऑप्शन में और इसको रखा हो, तो ये हम कैसे करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, तो सपोज करते हैं ऐसा कुछ आंसर में हमें दिख रहा है जिसे मिठाई क्या है अबव द प्लेन, तो हमने इसको इस तरह से मान लिया। अब क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में देखो, इसने वापस आने चार्ज में यहाँ पर नेगेटिव और ये करेगा यहाँ पे अटैक, ठीक है, उसके बाद क्या जो ये आई है यहाँ पे ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, आई माइनस इजिली निकल सकता है, तो क्या होगा यहाँ से निकला ये नेगेटिव, इधर क्या आ गया हमारे पास इस वाली कार्बन पे आ गया है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या आया है नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव बॉन्ड बनाएंगे, देखते हैं कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बननी है। तो अब देखो क्योंकि ये डैश पे है तो क्या होगा ये पूरा ओवरऑल जो रिंग बनेगी वो भी क्या बनेगी डैश पे ही बनेगी। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रिंग्स में क्या होता है जनरली सिस ज्यादा स्टेबल होती हैं, अगर दोनों ही मतलब जैसे सपोज यहाँ पे कोई रिंग लगा रही मैंने यहाँ पे 4 मेंबर लगाई है तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री होगी सिस वाली दोनों ही साइड में एचपी लगाऊ तो वो ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू ये जहाँ पे ये डैश पे है और एक इस पे है, तो जब दोनों ही सिस हो मतलब जो ओवरऑल सिस हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है इसके केस में जब फ्रांस है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे जैसे यहाँ से निकला पॉजिटिव तो क्योंकि ये डैश पे है तो रिंग हम कैसे बनाएंगे अब हम रिंग कैसे बनाएंगे देखो ये हमारे पास एज इट इज रहेगी यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा ये जैसे ही ब्रेक करेगा पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक मिठाई है और यहाँ पे हमें 6 मेंबर रिंग बनानी है ऐसे और जो ये वाला मिठाई था हमारे ये कहना था इस पे ये किसकी स्टीरियो केमिस्ट्री अगर ये डैश पे होगा तो जब ये कंबाइन करेगा तो भी यहाँ पे डैश पे ही कंबाइन करेगा क्योंकि नीचे की साइड नीचे साइड अटैक करके यहाँ पे जुड़ेगा तो इस तरह से हो जाएगा तो हमारा ये वाला मिठाई क्या है ऑटोमेटिकली इस वाले से हो जाएगा और हमारी क्या आगे इसकी ज्योमेट्री। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो इसको शो नहीं करते वो पेपर में इस तरह से लिखते हैं
इस तरह से लिखेंगे और दोनों जो मिथाइल है वो इस तरह से शो कर देंगे। तो ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट, इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये वाला। इसमें देखो आपको क्या करना है, सिंपल है, पहले तो वही अटैक करना है, बट यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि शायद स्टीरियो में आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, तो मैं क्या करूंगी, एक अलग से बनाऊंगी एक वीडियो जिसमें आपको सिखाऊंगी ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर होती है, जब कोई भी अटैक होगा वो ऊपर से होगा या नीचे से होगा, किस तरह से हम देखते हैं, देखना है हमें कि अबव द प्लेन है या फिर बिलो द प्लेन, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी और इजी हो जाएगा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स करवाऊंगी जो मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें सेम रूल आप हर जगह पे अप्लाई कर दोगे स्टीरियो के लिए। ठीक है, अब ये समझने की कोशिश करो उसको इतना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी स्टीरियो केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो यहाँ पर देखो, अब ना ये दोनों रिंग्स है आपके पास सपोज, अब ये एक्चुअल में कैसी है देखो, ये पूरा प्लेनर सिस्टम है, मिथाइल ऊपर की साइड है और एच बी ऊपर की साइड है। तो एक्चुअल में होगा क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। सपोज करो मेरे पास ये नोटबुक है, ठीक है, इसको मैं अगर ऐसे कर दू, ऐसे अगर मैं आपको ये ऐसे दिखा रही हूँ, तो रिंग्स बेसिकली ऐसे है इस वाली पोजिशन में, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है ऊपर की साइड एच, और यहाँ पर क्या है ऊपर की साइड मिथाइल। जो आपको सिर्स दिख रहा है मिथाइल ऊपर की साइड एच ऊपर की साइड, तो ये एक्चुअल में ऐसे कैविटी है दोनों रिंग्स। सपोज ये सिक्स मेंबर रिंग है, ये भी हमारे पास इस तरह नोटबुक को पकड़ा हुआ है, अगर ये सिक्स मेंबर रिंग है तो ये भी हमारे पास क्या है सिक्स मेंबर रिंग, और ये एच ऊपर की साइड है और मिथाइल जो है ऊपर की साइड है। अब अगर किसी ग्रुप को अटैक करना है, क्योंकि नीचे की साइड अगर कैविटी है तो ग्रुप को क्या करेगा, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगी, तो कितना भी बल्कि ग्रुप को क्या करता है, यहाँ से नीचे से कभी भी अटैक नहीं करता ऐसे कैविटी के केस में हमेशा से। अगर यहाँ पे कितना भी ग्रुप बल्कि ग्रुप ऊपर की साइड लगा हो, फिर भी वो क्या करता है ऊपर से ही अटैक करता है। क्यों, क्योंकि नीचे की साइड क्या है कैविटी, और कैविटी की वजह से क्या है बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है। आप खुद से देखो, अगर ऐसे है तो ग्रुप को क्या करना पड़ेगा, इस सारी कार्बन को क्रॉस करके बीच से अटैक करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि नहीं करता वो क्या करेगा यहाँ से, अगर बल्कि ग्रुप के ऊपर लगे हुए तो फिर अटैक ऊपर से ही होगा, क्योंकि नीचे की साइड क्या है कैविटी और वहां पे ज्यादा क्या है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऐसे ही ये वाला एग्जाम्पल है, इस वाले एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे क्या हुआ, इधर आया नेगेटिव, फिर से कर लेते हैं 4321, उसके बाद इधर आया है पॉजिटिव, पॉजिटिव पे अटैक कर रहे हैं एमई माइनस में। तो बस उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात थी, क्योंकि नीचे की साइड कैविटी है, तो यहाँ पे चाहे बल्कि ग्रुप मतलब मिथाइल चाहे ऊपर साइड लगा हो, लेकिन नीचे कैविटी होने की वजह से जो भी इनकमिंग ग्रुप आएगा वो ऊपर से ही आएगा, इस तरह से जो मिथाइल अटैक करेगा वो ऊपर से ही करेगा, और हमारे पास फाइनल ये बनेगा। ठीक है, इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट में हाइड्रोलिसिस है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इस तरह से हम क्या करते हैं गिलमन्स रिएजेंट, मेरे पास एक दो एग्जांपल और है, मैं आपको करवाती हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पर ये लगा रहा है, ठीक है, फिर से वही गिलमोर्स रिएजेंट है Mb2CuLi। अब आप क्या करोगे, आपको तो पता है वन फोर अटैक करवाना है, फटाफट सी ये करना है, अब डायरेक्ट यहाँ पे अटैक O माइनस, इधर ये है, अब क्या होगा इधर, क्योंकि बल्कि तो ऑलरेडी लगा हुआ, तो क्या होगा डैश जाएगा मिथाइल। ठीक है, अब आप देखो चाहे कितना मर्जी बल्कि ग्रुप हो, बट क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो ये प्लेनर है, जैसे भी कार्बन ये वाला होता है, तो यहाँ पे सारे क्या होते हैं जितने भी है एटम्स, यहाँ पे कुछ भी लगाओ चाहे मैं, वो क्या होंगे सारे प्लेनर प्लेन में है, क्योंकि सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सारे क्या हुए जैसे सपोज ऐसे इस तरह से है, तो यहाँ पर लगे हुए सब कुछ क्या है प्लेन में, तो ऐसे ही चाहिए बल्कि ग्रुप है बट ये क्या है प्लेन में, तो डिफरेंस कहां से आएगा इस पे, क्योंकि ये प्लेन में नहीं है, यहाँ पे sp होगा वो बिलो द प्लेन है और ये है अबव द प्लेन, तो मिथाइल हमारा यहाँ से अटैक कर गया, ये भी ऐसे ही है इस तरह से। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास लिविंग ग्रुप अवेलेबल है तो यहां से निकलेगा I माइनस, जैसे यहाँ पे प्लस आएगा इस वाले कार्बन पे, ये यहाँ और ये ऐसे, तो क्या बनेगा, ये तो वापस बन गया कार्बोनिल, ऐसे मिथाइल भी ऐसे ही रहेगा अपनी पोजिशन पे, बस ये हुआ यहां से निकला ये, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो क्या बनेगी 5 मेंबर रिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये होगी 5 मेंबर रिंग, तो ये है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब जो फाइनल वाला एग्जाम्पल था, देखो जो पहले वाला एग्जाम्पल था,
मैंने उसमें ऐसे करके छोड़ दिया, यहाँ पे डबल बोन था, यहाँ पे ओएच लगाया है, और मिथाइल हमने ऐसे लगाया था ऐसे। हो सकता है आपको एग्जांपल मतलब ऑप्शंस पे ऐसे मिले, और ये भी ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि वो क्या करें इसका टोटोमेरिज्म करवा दे, तो हमारे पास क्या होगा ऐसे, और हमारे पास एक कीटोन बन जाएगा ये इस तरह से। तो ऑप्शन में आपको ये भी मिल सकता है। तो जहां पर भी ऐसा कुछ बन रहा हो, इनोवल बन रहा हो, तो वहां पर अगर ऑप्शन में ये भी है तो आप समझ जाओ उसका टोटोमेरिज्म हो गया, उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो हम क्या करते हैं, ये सब ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करते हैं कि पेपर में किस तरह से दिया हुआ है। जैसे मैंने समय में क्या किया, हाइड्रोलिसिस करवा के डबल बोन यहां रखा है और ओएच लगाया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है सब में कि यहाँ पर रिएक्शन डाल के टोटोमेरिज्म हो जाए। यहाँ पे नेगेटिव गया, इधर जैसे ही पॉजिटिव आया तो ये वाला बूढ़ी गया, और ये पॉजिटिव जाकर यहाँ लग गया, तो मेरे पास क्या बनेगा ये इस तरह से। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने ऐसे करवाया है, आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, बाकी सब कुछ क्या रहेगा सेम, बस यहाँ इस वाले पार्ट में। ओके, अब एक एग्जाम्पल है जो आया हुआ है पहले प्रीवियस ईयर में, वो करते हैं। इस तरह का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर लगाया हुआ है मिथाइल अबव द प्लेन, और डाला क्या हुआ है इसमें LiAlH4। मैंने आपको पहले भी बताया है कि रिएजेंट में डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, स्पेशली CSIR एंड NET में। वो एक रिएजेंट में कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, हमेशा दो तीन चीजें कंबाइन करके ही पूछेंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो LiAlH4 है वो क्या करता है रिडक्शन, और वो क्या करेगा कार्बोनिल कंपाउंड उसमें चेंज कर देगा एल्कोहल में, है ना। तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट सब रिडक्शन कर रही हूँ, कार्बोनिल को चेंज कर देगा एल्कोहल में, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया OH, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर रहेगा मिथाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हुआ है, नेक्स्ट में उन्होंने डाला है एसिटिक एनहाइड्राइड, मतलब यहाँ पे ऐसे लगा लो, ये सेकंड में है एसिटिक एनहाइड्राइड, सामने पिरिडीन सोलवेंट है, और थर्ड स्टेप में डाला हुआ है हमारा गिल्मन्स रिएजेंट Mg2CuLF। तो हो सकता है आप ये पढ़ती रहे हो, बट आपको ये वाले फर्स्ट टाइम ना आते हो, तो इसलिए जो बेसिक बेसिक चीजें यहाँ पे आपको आनी चाहिए और कहने के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो ये बन गया। अब नेक्स्ट टाइम में क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड, जैसे अगर आपको स्ट्रक्चर इसका दिखाऊं तो ये ऐसे होता है CuCH3, ये है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड। और जो पिरिडीन है वो क्या होता है, पिरिडीन इज एक्चुअली बेस, इस तरह का होता है ना। तो जो ये बेस है ये क्या करेगा, यहां से जो ये H प्लस है, क्या एसिडिक H है हमारे पास प्रोटोन, इसको निकालेगा H प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस। अब देखो ये माइनस को क्या चाहिए, कोई भी पॉजिटिव सेंटर अटैक करने के लिए, इधर नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, जैसे ही पॉजिटिव आएगा इधर अटैक। ठीक है, मैं समझाने के लिए ना इस वाले पूरे ग्रुप को भी R लिख दूंगा, कि वाली रिएक्शन जब करवाऊंगी, तो ये है R, ये जो O था इसने यहाँ पर अटैक कर लिया कार्बोनिल पे, इधर बन गया O माइनस, यहाँ पर है CH3, और ये पूरा ग्रुप O CO CH3 एसिटिक्स। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, इस पूरे ग्रुप को R मान लिया है अभी के लिए, बाकी क्वेश्चन मतलब आगे करेंगे तो देखेंगे इसको। इसको मैंने अभी R कंसिडर किया है, O का अटैक करवाया है पे कार्बोनिल पे इस तरह से, और अब ये बन गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या होगा, ये सारा क्या है लिविंग ग्रुप, इसलिए निकल सकता है, तो यहाँ पे मैंने क्या इसको नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लगाया। अब एक बात है, जितने भी लिविंग ग्रुप्स होते हैं अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है तो ही वो निकलते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो O माइनस वाले लगाया तो क्या रहेगा, रेजोनेंस की वजह से क्या रहेगा स्टेबलाइज हो जाएगा, तो जैसे ये निकला ये नेगेटिव यहाँ पर आया, तो हमारे पास क्या बन गया, हमें हमारा हो गया ये CO CH3, मतलब जो ये R पूरा ग्रुप है ऑक्सीजन हमारे पास पहले से था, बस लगाने गया है CO CH3, तो ये क्या हो गया हमारा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन मतलब ये वाला ग्रुप OH को हटा के जो NH होता है NH2, और जो OH होता है उसको हम क्या कर सकते हैं एसिटाइलेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा H को हटा के हम लगा देंगे CO CH3, क्या है एसिटाइल ग्रुप, तो अगर ये ऐड होता है तो उसको हम बोलते हैं एसिटाइलेशन। अब मैं डायरेक्ट इसके बाद लिख दूंगी हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा, क्योंकि आगे हमें गिल्मन्स के एजेंट से भी रिएक्शन करवानी है। ऐसे है ये मिथाइल, इधर O CuCH3 हो गया हमारा एसिटाइलेशन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या डाला हुआ है, गिल्मन्स के एजेंट Mg2CuLN, आपको पता ही क्या करता है 1,4 पे अटैक, डबल बॉन्ड क्या 4,3,2,1, वन वाले ग्रुप तो निकलना ही है, यहां से निकाल दो इसको, नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, ये बॉन्ड करेगा ब्रेक, और ये और साथ में हाइड्रोलिसिस भी कर देंगे सब कुछ। लेकिन हाँ हाइड्रोलिसिस नीड भी नहीं है क्योंकि दिया भी है क्वेश्चन में, इधर नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देखो यहाँ पे आ गया बॉन्ड मिथाइल ऐसे कैसे रहेगा, और ये आ जाएगा हमारा इधर आ जाएगा मिथाइल, क्योंकि पहले से ऊपर दिया हुआ था हमारे क्या आएगा डैश आएगा
फाइनली आपको देना फाइनल आंसर। बस इसी तरह से करना था, ये था डीमंस रिएजेंट। आपसे क्वेश्चंस कर लेना बहुत इजीली हो जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, हल्की फुल्की स्टीरियो और बाकी बस 1-4 ग्रुप मतलब 1 वाले ग्रुप को निकालना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।